हम ब्रज में बहुत घूमे, बहुत पुजारियों ने पंडों ने हमें बताया, नंदगांव में भी कुछ समय लगाया हमने, बरसाना के अंदर भी, वनों में भी, वृंदावन में भी रहे हम, मथुरा और कई वन हैं आसपास, दाऊ जी सब जगह जहाँ गए वहाँ देखा, उन्होंने बताया ये कान्हा जी की जमीन थी, उनके नाम थी, यहाँ गौशाला चलती है। मैंने कहा उनके वंशज कहाँ हैं? कि जी वो तो चले गए, कौन संभाल रहा है? कि वह सभी एक कमेटी बना रखी है, यही देख रेख करते हैं। वैराग्य थोड़ा और चढ़ गया, समझ में आई चीजें, और घूमे, देखा राजस्थान के अंदर भी, देखे जा करके कि किले पड़े हुए हैं खाली, कौन संभाल रहा है? सरकारें संभाल रही हैं। समझ बढ़ने लगी कि जो अवतार थे जिन्होंने सब कुछ किया, जिनकी हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्होंने अपने लिए सब सुख सुविधाओं की वस्तुएं तैयार की, महल तैयार किया, घर तैयार किए, नगर बसाए, सब कुछ किया, लेकिन कहाँ हैं वो आज? बस नाम चले हुए हैं, आत्माएं चली गई। यही चीजें समझ आने लगी कि वो तत्व अपना काम करके निकल के जा चुके हैं, उनसे हमारा काम नहीं होगा, राम से हमारा काम नहीं होगा। समझ में आने लगी चीजें कि वो चीजें सीमित हैं, दायरा सीमित है। फिर ये समझ आने लगा कि वो जब धरा के ऊपर थे, उन्होंने कितने लोगों के मन रोके। अनुभव करो, सच थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन मैं भी बदल नहीं सकता, ना बदल सकते। आप देखो दूत बन के भी चले गए, मन नहीं बदल पाए। दुर्योधन के विषय में बोल रहा हूँ, समय मांगने के लिए चले गए तो भी उन्होंने मना कर दिया। इसका तो सीधा सार अर्थ है कि मन वो भी नहीं बदल पाए, सबको बोल रहे, जो सैनिक थे सामने उनका भी मन नहीं बदल पाए, जो साथ में भाई थे दाऊ बलराम उसका भी मन नहीं बदल पाए, जो योद्धा थे साथ में उनका भी मन नहीं बदल पाए, जो उनके पुत्र थे उनका भी मन नहीं बदल पाए, किसी का भी मन नहीं बदल पाए वो। फिर हमें ये समझ आने लगी चीजें कि परमात्मा है जरूर, लेकिन वो भी बहुत चीजें बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना, लेकिन जो देख रहे हैं ये कुछ अलग ही चीजें हैं, जो अनुभव हो रहा है ये अलग ही है। कि अगर उनके बिना पत्ता नहीं हिलता तो वो मन क्यों नहीं बदल देते लोगों का, संसार का, जिनको हम दुष्ट बुद्धि बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, उन्होंने मन क्यों नहीं बदला उनका? ऊपर बैठे बैठे मन बदल लेते, लेकिन नहीं, मुझे लगता है उनके हाथ में भी मन बदलना नहीं है। क्या आप लोग चाहो कि मैं, कि यानी आपके गुरु या परमात्मा या आपके कुल देवता या ईष्ट आपका मन बदल देंगे? मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा, क्योंकि मन को बदलने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा।
खुद की साधना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब अनुभव हुआ, देखा सब कुछ, प्रश्न अच्छे भी नहीं लगते थे, क्योंकि गुरु हृदय में स्वीकार हो चुका था श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि भजन हम करेंगे। मैंने कहा अगर भजन हमने ही करना तो गुरु आप नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम बिना गुरु के ही साधना करेंगे और प्राप्त करेंगे उस तत्व को, खोज करेंगे और इसी जन्म में करेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो चाहे। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हृदय में विराजमान हुए। उससे पहले हम किसी रूप का ध्यान नहीं करते थे, ना हनुमान जी का, ना विष्णु का, ना राम का, ना कृष्ण का, किसी का ध्यान नहीं करते थे रूप का, बस साधना करते थे सांसों के साथ। गुरु कोई बना ही नहीं था। फिर मैंने कहा ध्यान किसका करें, उन्होंने कहा जो रूप दिखा इसी का। मैं कहा ठीक है, कि नाम कौन सा रटे। थोड़े से मुस्कुराए, चले गए, फिर आ गए। मैंने फिर प्रश्न किया नाम कौन सा रटे, फिर चले गए, फिर आ गए। मैं सोचा कहीं कल्पनाएं तो नहीं चल रही, कि कहीं दिमाग के अंदर कोई चीज़ें सेट हो गई हो और दिमाग में ये चल रहा आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी बातों के अपने आप ही जवाब मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, हमने हाथ पैर हिला करके देखे, हिल रहे थे, और कुछ मार करके देखे हाथ पैर इधर उधर, तो अनुभव हो रहा था कि हाँ हम जिंदा हैं, चल रहे हैं और सपने में नहीं हैं, कुछ अनुभव चल रहा है। फिर आए, उन्होंने बोला कि शब्द समय के ऊपर मिल जाएगा, अभी जो साधना चल रही है ये सार की साधना चल रही है और ये सार तत्व की साधना, शब्द पीछे रह गए हैं। मैंने कहा ओम जब दिखाई दिया था वो गूंज सुनाई दी थी वो। उन्होंने कहा ये स्थिति बहुत आगे आ चुकी है, बहुत आगे आ चुकी है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आगे चढ़ाई चल रही है। ध्वज, रंग, नाम, ये तीनों एक साथ आएंगे। तो ये खेल चलता रहा, साधना होती रही।